13 फरवरी को किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की खोल दी है और उसी के ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि हम अंबाला शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी जो है हरियाणा सरकार की ओर से की गई है कि ये अंबाला का शंभू बॉर्डर है, दोनों तरफ से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। अंबाला से पंजाब में जाने वाला रास्ता और पंजाब से अंबाला में जाने वाला रास्ता दोनों पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं और पूरे बड़े बड़े पत्थर, जो कंक्रीट के पत्थर कह सकते हैं, कि वो यहां रख करके रास्ते बंद किए जा रहे हैं जिससे कि इन्हें कोई भी पार ना कर सके। और इनके ऊपर जो है कंक्रीट की जो तारे हैं वो भी सरकार लगाने जा रही है। किसान आंदोलन जो पहले हुआ था, दिल्ली बॉर्डर तक किसान पहुंच गए थे और लगभग एक साल तक वो आंदोलन चला था, उसी को ध्यान में रखते हुए कि अब दोबारा से हरियाणा के अंदर एंटर ना कर पाए और दिल्ली बॉर्डर तक ना पहुंच पाए किसान, इसीलिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि क्रेन के द्वारा उठाए जा रहे हैं पत्थर और पत्थर उठा उठा करके क्रेन के माध्यम से और फिर इनको रखा जा रहा है, पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से और पंजाब की तरफ जो व्हीकल जा रहे हैं और जो पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। और जो अभी मोटरसाइकिल इक्की दुक्की आ रही है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनको भी मना कर रहा है कि वो भी ना आए क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया रास्ते को। 13 तारीख की वो कॉल है, पहले भी एक साल तक आंदोलन लगभग चला था और अब एक बार फिर से, हालांकि सरकार की ओर से बात किसान संगठनों से की जा रही है, अब किसान संगठनों से बातचीत में क्या हल निकलता है या फिर 13 फरवरी को जो कॉल उन्होंने दे रखी है दिल्ली कूच की, उसमें वो कामयाब हो पाते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम से पूरा जो है ये बड़े बड़े जो कंक्रीट के पत्थर हैं उनको उठाया जा रहा है और सड़क ब्लॉक की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की सभी जत्थेबंदियां 13 तारीख को दिल्ली कूच करने जा रही है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इधर पंजाब है और दूसरी तरफ हरियाणा है, जहां पर जो पंजाब से आने वाले सभी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने 6 लेयर बैरिकेडिंग की है और सड़क पर जो किले हैं वो गाड़ दी गई हैं ताकि जो किसान है जो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर यहाँ न पहुँचे और उनको यहाँ रोका जाए, बॉर्डर पर रोका जाए, ताकि किसान दिल्ली कूच न कर सके। किसान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो जत्थेबंदियाँ हैं वो दिल्ली कूच के लिए पूर्ण तरह तैयार है और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन किसानों को रोकने के लिए कितनी जो पाबंदियाँ हैं वो लगाएगी और क्या किसानों को रोकने का जो प्रयास है वो जो पुलिस प्रशासन रोकने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसानों का पूरी तरह से आह्वान है कि दिल्ली कूच किया जाएगा, अगर उनकी मांगे जो है सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तब तक ये जो दिल्ली कूच का है उनका जो 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा, चाहे उन्हें किसी प्रकार की जो कुर्बानियाँ है वो देनी पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बॉर्डर इलाके को है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस का जो भी सीमाएं जो पंजाब को फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो साथ लगती जो सीमाएं हैं उनको जोड़ने वाली जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि उधर जो पुलिस का पहरा है और जो भी पंजाब और हरियाणा से आने जाने वाले वाहन हैं उनको रोक दिया गया है और पुलिस का इन जगहों पर पूरी तरह से पहरा है। 6 लेयर जो बैरिकेटिंग की गई है, सड़कों पर किले गाड़ दी गई है और मिट्टी के कंटेनर भरकर इन सड़कों पर रख दिए गए हैं और किसानों को किसी भी प्रकार से दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।